हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बच्चों डिफेंस गुरुजी। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो है ACC एंट्री के ऊपर बेस, आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्री, जो कि डिफेंस पर्सनल के लिए जो ऑलरेडी सर्विंग है। ठीक है, तो पूरा इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारे जो भी एस्पिरेंट थे जो इससे रिलेटेड है मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर ACC एंट्री के ऊपर वीडियो बनाइए, हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराइए। तो आप लोगों के लिए वीडियो पूरा मैं बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और प्लीज़ मेरे, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा ताकि आपको आने वाले अपडेट जल्दी मिलते रहें। इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियो मैं आने वाले टाइम में लेके आने वाला हूँ, तो स्वागत है आप सभी लोगों का। बेसिकली वीडियो का मेन एम है हाउ टू क्रैक ACC एग्जाम। बहुत कम टाइम में आपको ACC एग्जाम कैसे निकालना है वो सारी बातें बताऊंगा मैं। और बेसिकली दो बार होता है, एक साल में दो बार एंट्री निकलती है, जनवरी में और जुलाई में। ठीक है, इसलिए जो भी अपनी अपनी यूनिट में पोस्टेड है अपने अपने क्लर्क से बात कीजिए। ACC 1 होती है वो नवंबर के बाद निकलती है और ACC 2 होती है वो मई के बाद निकलती है। ACC 1 का एग्जाम फेब में होता है, ACC 2 का एग्जाम अगस्त में होता है, एक साल में दो बार होता है। ठीक है, जैसे ACC 120 का एग्जाम फेब में हो चुका था, अब जो एग्जाम होगा वो 121 का एग्जाम होगा। तो इसके अंदर चार पेपर होते हैं, मैं चारों पेपर की स्ट्रैटेजी पूरा आपको समझाऊंगा मैं कैसे कैसे आपको ये एग्जाम निकालना है और क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। बेसिकली सबसे मेन तो बस यही है, क्या आपको करना है, क्या आपको छोड़ना है और कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा एग्जाम कौन सा पोर्शन पर ज़्यादा जोर लगाऊँ ताकि वहाँ से ज़्यादा नंबर मैं ले पाऊँ, तो वो सारी बातें मैं चर्चा करूँगा। तो पेपर वन की बात है वो है GMAT, इसको बोलते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोला जाता है इसको। 150 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन दो नंबर का, टोटल होता है 300 मार्क्स का, 3 आवर्स का टाइम होता है आपको इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली सबसे एडवांटेज है जो हम लोगों के लिए जो सर्विंग है उनके लिए है, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब जरा बात करूंगा रीजनिंग एबिलिटी की पेपर वन में, तो वर्बल से क्वेश्चन आते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं 75 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दो नंबर का, 150 मार्क्स का। नॉन वर्बल की बात करूँ तो 15 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के, एक क्वेश्चन दो नंबर का। और अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी से बात करूँ 60 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन ईच मार्क्स, 120 मार्क्स का, टोटल होगा 300 मार्क्स का। मैं जो सुनता हूँ बहुत सारे एस्पिरेंट ये बोलते हैं कि पेपर बहुत लेंथी था। पहली बात तो जो यूनिट में सर्विंग होते हैं उनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी अगर आप 1 से 2 घंटा रोज लगाएंगे तो मेरी गारंटी है और मेरे नोट्स को फॉलो करेंगे तो नोबडी विल स्टॉप यू, आपको कोई रोक नहीं सकता टॉप मेरिट में आने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए। ध्यान रखिएगा सबसे मेन आपका स्ट्रेटजी है और प्लानिंग है, क्या मुझे पढ़ना है, क्या मुझे छोड़ना है, क्योंकि बहुत इसका कोई ना तो ऐसा बुक आता, लेकिन फिर भी जो मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है डिफेंस के साथ में, मैंने उसके आधार पर मेरे इस पूरे स्टडी मटेरियल को मैंने तैयार किया है जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी में 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 120 मार्क्स का। अब अगर वर्बल रीजनिंग की बात करूँ तो बच्चों यहाँ से आएगा कैलेंडर से क्वेश्चन, कभी कभी पूछता, बहुत कम पूछता लेकिन फिर भी पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चन आ गया यहाँ से डाइस से, क्वेश्चन आ गया कोडिंग डिकोडिंग से, इनइक्वालिटी से, पजल से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सीरीज से क्वेश्चन आएगा, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं वर्बल में, जो कि बहुत सिंपल है। इसके बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स मेरे पास मिल जाएंगे, पूरा मैंने उसमें हर टॉपिक को डिस्क्राइब कर रखा है, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश मिल जाएगा। लेकिन आपके लिए बता दूँ पूरा पेपर इसके अंदर इंग्लिश में आता है, ध्यान रखिए कोई भी यहाँ पर आपको हिंदी में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है, पूरा आपको इंग्लिश में ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल है, और इंग्लिश कोई ज़्यादा बहुत बड़े लेवल पे नहीं आती है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एस्पिरेंट में डाउट है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा हाई लेवल की आती है, ऐसा कुछ नहीं होता, इतना ज़्यादा हाई लेवल का इंग्लिश नहीं आता है, बेसिकली सिंपल आता है। लेकिन फिर भी आप हिंदी मीडियम के नोट्स हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे से लिख रखे हैं सब्जेक्ट वाइज। अगर बात करूँ ये न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो यहाँ पर अर्थमेटिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, अर्थमेटिक मैथ्स रिलेटेड, जिसमें टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखिएगा कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं एस्पिरेंट कि मैं तो ना पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, मैं तो लास्ट के 20 क्वेश्चन मैं देख ही नहीं पाया, लास्ट के 30 क्वेश्चन मैं देख ही नहीं पाया। लेकिन मेरी आपसे गारंटी है अगर आप मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और नोट्स को डेली आपको 1 से 2 घंटा अगर आप देंगे तो शोल्डर पर स्टार 2 होंगे, ध्यान रखिएगा। और इनकी कीमत वो सिपाही लोग, वो जो भी PBOR है, पर्सनल बिलो ऑफिसर रहेंगे, वो जानते होंगे कि ऑफिसर क्या चीज़ होती है। तो मैं आपको पूरी हेल्प करने वाला हूँ इसके अंदर, पूरा आपको ऑफिसर बनाने के लिए रिटर्न टेस्ट की जिम्मेवारी मेरी है। और उसके बाद आपको SSB के लेके वीडियो आऊंगा कि SSB में क्या क्या आपसे रिक्वायरमेंट रहती है, क्या आपके अंदर देखा जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे सिविलियन का और आप लोगों का SSB थोड़ा अलग है, आपको क्या क्या उसके अंदर अच्छा स्कोर करने की रिक्वायरमेंट है। अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 70 देखेंगे चलो पहले पेपर देके देखते हैं क्या होता है, फिर हम तैयारी करेंगे, वो लोग तैयारी कभी नहीं कर पाते, ध्यान रखिए। सिर्फ 30% लोग ही अपनी यूनिट में से अपने ड्यूटी टाइम के बाद टाइम निकाल पाते हैं और पढ़ पाते हैं। नोट्स भेजना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है, ठीक है। तो पूरा आपको ये हाथों से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे, ठीक है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग के फिगर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल होते हैं, बट क्या होता है एग्जाम टाइम में
टाइम का कंपाइलेशन होता है और ये लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं बहुत जल्दी इसलिए, लेकिन बट फिर भी आपको मैं पूरा प्रोवाइड कराऊंगा। अगर पेपर टू की बात करूँ तो तीन पोर्शन मैंने डिवाइड किया इसको, जनरल अवेयरनेस में, स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन में और करंट अफेयर में। ध्यान रखिएगा, जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, पूरा का पूरा हाथों से लिखा हुआ नोट्स होगा, हैंडरिटन नोट्स, इससे बाहर पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर बोलता हूँ अगर डेली टाइम लगाओगे तो पेपर टू भी बहुत आसान है, स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन, ठीक है। और करंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए आपको यहाँ ये इस नाम से मेरा फेसबुक प्रोफाइल है प्रतीक दलाल नाम से, आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां जाके पूरा देखिएगा। टेलीग्राम लिंक भी आपके लिए होगा, हर मंथ से करंट अफेयर आते हैं उनको देखते रहना। बेसिकली आपका जो एग्जाम डिमांड करता है वो 7 to 8 months पीछे वाले के आपसे डिमांड करेगा क्वेश्चन, वहां से आपको 7 to 8 months का आना चाहिए। रही बात सेटिक क्वेश्चन की, तो वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे अलग अलग, हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, पूरा कंप्लीट आपको अलग अलग प्रोवाइड कराने वाला हूं मैं इसके अंदर। पेपर थ्री की बात करूं तो उसको बोलते हैं इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन इंग्लिश, के अंदर पार्ट वन है, पार्ट टू होता है। पार्ट वन के अंदर 120 क्वेश्चन होते हैं, आपको बता दूं मैं, पार्ट टू के अंदर 120 क्वेश्चन होते हैं जो कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, और एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होता है और एक घंटे का होता है। रही बात सब्जेक्टिव की, तो 180 मार्क्स होते हैं, ठीक है। टोटल 120 और 180 को मिलाएंगे तो बच्चों ये 300 नंबर बन जाएंगे आपके, 300 मार्क्स आपका बन जाएगा। ध्यान रखिएगा इसके अंदर 300 मार्क्स बन जाने के बाद, अब दिक्कत क्या रहती है कि पेपर वन जो आता है आपका ऑब्जेक्टिव, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा बहुत सारे किससे रिलेटेड, वकैब से 10 क्वेश्चन, वकैब आपके 10 क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर भी आता है, ईडीएम फ्रेजेस भी आता है, तो आपको एज इट इज दूंगा कि आप दिन में बहुत कम टाइम में ज्यादा याद कर सकते हैं मेरे नोट से। मैं आपको पूरा का पूरा उसके अंदर प्रोवाइड कराऊंगा, चीजें बहुत सिंपल रहेंगी, बस सिर्फ आपको देखना ही देखना है, ध्यान रखिएगा। और अगर पेपर टू की बात करूं तो यहां पर ऐसे लिखना आता है, फिगर के ऊपर स्टोरी भी लिखना आता है, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाने वाला हूं आने वाले उसके अंदर। लेकिन मेन आपको ध्यान रखिएगा, पेपर वन, पेपर टू और इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट वन में आपको ज्यादा फोकस करना है। अगर आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस करोगे तो मेरी गारंटी है आपको रोकने वाला नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये सबसे मेन चीज है। आपको इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन, जैसे ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे पार्ट वन के अंदर, फिलर्स आएंगे, एरर आएंगे, ये सिंपल चीजें आती हैं, आपसे पूछा जाएगा वहां पर। लेकिन अगर आप शुरू से ही थोड़ा फोकस रखेंगे तो आप और कैंडिडेट को इसके अंदर बिल्कुल पीछे कर देंगे, आपको एक एक्स्ट्रा लीडिंग एज मिलेगा इसके अंदर, ध्यान रखिएगा, जो आपको औरों से अलग करेगा, जो आप औरों से बेटर कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए अगर पेपर टू की मैं बात करूं तो उसके अंदर आपके पास पिछली बार जो आया था वो सेलुलर फोन्स का आया था इम्पैक्ट, सेलुलर फोन्स का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा चिल्ड्रन के ऊपर, ध्यान रखिएगा, सेलुलर फोन का ऐसे आया था, क्या पड़ेगा चिल्ड्रन के ऊपर। दूसरा आपको बताऊं मैं, द नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट एज ए नेशन बिल्डिंग टूल। तीसरा आपको बताऊं मैं, इंडियन आर्म फोर्स एंड एनवायरमेंटल कॉजेज के ऊपर था। एस्पिरेंट ऑफ टुडे सोल्जर इन द एमर्जिंग सोशो इकोनॉमिक वैल्यू, द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया अचीविंग द न्यूक्लियर टाइड। तो मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से ऐसे इसके अंदर आए थे बच्चों, तो ये देख लीजिए आप लोग। देखिए पहला ऐसे क्या था, इम्पैक्ट ऑफ सेलुलर फोन ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, द नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट एज ए नेशन बिल्डिंग टूल। और तीसरा देखिए, इंडियन आर्म फोर्स एंड एनवायरमेंटल कॉजेज, एस्पिरेंट ऑफ टुडे सोल्जर इन द एमर्जिंग सोशो इकोनॉमिक वैल्यू, द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन अचीविंग द न्यूक्लियर ट्रायड। तो कंप्लीट आपको दिख रहा होगा, देखिए लिखा है राइट एन एसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन 300 मार्क्स, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर हैज 5 क्वेश्चन, देखो लिख रखा है पूरा क्लियर का पूरा क्लियर दिख रहा है इसके अंदर, द क्वेश्चन पेपर हैज 5 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, 5 क्वेश्चन इसके अंदर है एज इट इज पूरा दिखाया गया है, ठीक है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे आपको अटेम्प्ट करने जरूरी हैं। लेजिबल हैंडराइटिंग में होना चाहिए, 2 hours का आपको ये मिलेगा और 1 घंटे का आपको ये मिलता है, ध्यान रखिए ये 1 hour का मिलेगा, तो टोटल आपको 3 hours मिल गए फिर से यहाँ पे। अब क्या राइट एंड लेटर, लेटर भी आपको दिखना है जो आप इजीली से, तो जो 30 marks का, देखिए ऐसे 60 marks का है तो इजिली आप यहाँ स्कोरिंग कर सकते हो। ये आपके पास कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आ गए जो आप इजिली लिख के बता सकते हो। यहाँ पर आपको स्टोरी की 2 photos दिखाई गई, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन 100 notes ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, टॉपिक स्किल्ड यूथ ऑफ इंडिया है, डिजिटलाइजेशन ड्राइव बाय द गवर्नमेंट है, ब्रिक्स फॉर इंडिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस है। तो ये बहुत सिंपल चीजें आपको दिखाई गई, आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन फर्क क्या है, आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा। राइट 2 stories ऑफ योर इमेजिनेशन यूजिंग पिक्चर बिलो, आपको इन दोनों के ऊपर क्या है, ये नॉर्मली SSB के अंदर टैट की पिक्चर होती है, वो आपको एज इट इज दिखाई गई है। तो ये भी मुझे लगता है आपके लिए टफ नहीं है अगर आप थोड़ा सा भी प्रॉपर इसको फॉलो करेंगे तो, ठीक है। दोनों का नोट्स आपका इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अब एकेडमिक कंटेंट टेस्ट की बात करते हैं जो कि काफी सारे एस्पिरेंट में डाउट रहता है। तो मैथमेटिक 50 questions 100 marks, जनरल साइंस 50 questions 100 marks, ह्यूमैनिटीज 50 questions 100 marks। पूरा टाइम टेबल इस प्रकार से है, इस जनरल साइंस में फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, और ह्यूमैनिटीज की बात हो तो हिस्ट्री, पॉलिटिक, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं 50-50। अगर मैथ की बात हो तो पूरा पूरा ट्रिक को ध्यान रखें, एडवांस मैथ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हाथों से लिखे हुए बेहतरीन नोट्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। जो हमारा नोट्स आपको लेना हो, किस प्रकार से ऑर्डर आप कर सकते हो आपको बता दे रहा हूं मैं, 8800460147 पर आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, अपना नाम लिख के बताएंगे और आप कहां से आपका एड्रेस बताएंगे। उसके अलावा आपको पूरा डिटेल यहां से मिल जाएगा, ट्रैकिंग आईडी तक आपको मिल जाएगा जो इंडियन पोस्ट से आएगा, ठीक है। इसका कोस्ट
कोस्ट आपको जब हमें कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको बताया जाएगा कितने कोस्ट का क्या रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस चीज़ों के लिए। इसलिए तो प्लीज़ बने रहिएगा, आप डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं इस एग्जाम।